डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट से दाखिल किया नामांकन। तीसरे चरण में 7 मई को होगा मतदान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी मौजूद रहे। नामांकन से पहले डिंपल ने पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल सैफई के मेला मैदान पर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मैनपुरी संसदीय सीट पर इस बार का घमासान पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा की टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव ताल ठोक रही हैं। डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले डिंपल पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल सैफई के मेला मैदान पर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। नामांकन के लिए मैनपुरी रवाना होने से पहले आवास पर नवरात्र के चलते कन्या भोज भी कराया। डिंपल यादव ने अपने गांव में पत्रक देवी के मंदिर पर भी पूजा अर्चना की। मैनपुरी में 7 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों पर 7 चरण में मतदान होगा। पहले चरण की 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 26 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। यूपी के मैनपुरी सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होगा जिसके लिए 7 मई को मतदान होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।